नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ समुद्र को। और यहाँ पर एक ऐसा कुआं है जिसमें बताया जाता है कि समुद्र का पानी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है। ये जो जगह है उन्हीं के द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको ये कुआं दिखाते हैं जिसमें समुद्र का पानी आता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये जो जगह है इसे गुप्त काल का बताया जाता है और हजारों साल पुराना ये जगह है। यहाँ पर देख सकते हैं इसे लोहे की जाली से भी इसको घेर दिया गया है ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि ये एक धरोहर है और इसे संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। ये जगह प्रयागराज जिले के झूसी में उल्टा किला के अंदर स्थित है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्राचीन धरोहर यहाँ पर मिली हैं और उन्हीं में से एक आपका ये समुद्र कूप भी है। इस जगह को देखकर ही लगता है कि ये बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि इसकी जो बनावट शैली है वो थोड़ी अलग है और इसे गुप्त काल का बताया जाता है। सदियों से ही लोग इस कुएं का प्रयोग करते आ रहे हैं और इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कोई ऐसा कुआं भी हो सकता है जिसमें समुद्र का पानी आता है, लेकिन ये जो कुआं है इसे बताया जाता है कि इसमें समुद्र का पानी आता है और इसी वजह से इसमें जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है। देख सकते हैं आप दोस्तों, यही है वो कुआं जो कि मेरे हिसाब से करीब 200 फीट ये गहरा है और पानी भी हमको दिख रहा है। यहाँ के एक पुजारी जी थे तो उन्होंने बताया कि इतना जो पानी है वो हमेशा रहता है और ज़्यादातर जो कुएं होते हैं आमतौर पर वो बहुत सारे सूख जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कुआं है जो कभी सूखता नहीं है। और ऐसा बताया जाता है कि समुद्र का पानी आने की वजह से ही इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि वास्तव में ये पानी कहाँ से आता है, किस समुद्र का पानी आता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और वैज्ञानिक है वो लोग भी इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाए कि वास्तव में इस कुएं में पानी आता कहाँ से है। तो आप लोग भी दोस्तों जब कभी भी प्रयागराज में आइए तो इस जगह पर आप भी ज़रूर आइए। वास्तव में ये बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक दृष्टि से भी यह जगह काफ़ी महत्व रखता है। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।